कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अब खबर है कि सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म शेर खान में वो नजर आएंगे, जिसमें सोहेल खान अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाएंगे। बता दें कि ये फिल्म काफी दिनों से अटकी हुई थी, लेकिन अब सलमान खान इंशाअल्लाह के बाद शेर खान पर काम करने का विचार बना रहे हैं। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी आपको कबीर खान की फिल्म 83 में नजर आएगी। शादी के बाद दीपिका और रणबीर एक साथ पहली बार दिखाई देंगे, जिसके लिए दीपिका भी क्रिकेट के टिप्स ले रही हैं। रणबीर ने अपनी पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए 83 में उनका स्वागत किया है। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म में रैपर बादशाह अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगे। फिल्म का नाम खानदानी शफा खाना रखा गया है, जिसकी जानकारी सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर दी है। फिल्म की कहानी एक पंजाबी लड़की की है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा की जर्नी दिखाई जाएगी, जिसमें वरुण शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। नौरा फतेही इन दिनों बैंकॉक में छुट्टियां मना रही हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नौरा हाथ में शॉर्ट्स लेकर बेचने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान वो जमीन पर बैठे हुए लोगों को कपड़े दिखाती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कपड़ों को बेच रही हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले दिनों मशहूर स्टूडियो आरके स्टूडियो को कपूर फैमिली ने मिलकर बेच दिया। अब खबर है कि कमाल अमरोही का स्टूडियो भी बिकने वाला है। कमाल अमरोही स्टूडियो 15 एकड़ जमीन में बना हुआ है। कमलिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा आइकॉनिक स्टूडियो है, जो अब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनने जा रहा है। बता दें कि स्टूडियो को फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर कमाल अमरोही ने 1958 में स्थापित किया था। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सुपर 30 के प्रमोशन में बिजी हैं। ऋतिक की वैसे तो कई फीमेल फैन दीवानी है, लेकिन ऋतिक ने कहा है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री शेफाली शाह के काम के मुरीद हैं। शेफाली शाह ने भी सुपर 30 के ट्रेलर की सराहना करते हुए ऋतिक रोशन से उनके काम की जमकर तारीफ की है। मिजान जाफरी की तुलना रणबीर कपूर से की जा रही है। उनका लुक रणबीर कपूर से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में जब ये बात मिजान को पता चली, तो उन्होंने इसे कॉम्प्लीमेंट लेते हुए रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं अपनी जगह हूँ और वो अपनी जगह। बता दें कि मिजान संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल से डेब्यू करने वाले हैं। कार्तिक आर्यन से जब उनके फर्स्ट ऑडिशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो एक डियो का एड था, जिसमें ऑडिशन दिया था लेकिन बाहर से ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज कार्तिक आर्यन अपनी शानदार फिल्मों की दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे हिट एक्टर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। बता दें कि इन दिनों वो सारा अली खान के साथ लव आजकल 2 की शूटिंग में बिजी हैं। नच बलिए सीजन 9 को लेकर इस वक्त फैन का उत्साह बढ़ा हुआ है। बीते 2 सालों से फैंस नच बलिए का इंतजार कर रहे थे, और आते ही इस शो का नाम सलमान खान से जुड़ गया है। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान नच बलिए को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो शो के कुछ एपिसोड को जज करते हुए भी नजर आ सकते हैं। सीरियल कसौटी जिंदगी में मिस्टर बजाज की एंट्री को देखने के लिए फैंस की बेकरारी बढ़ती जा रही है। कोमोलिका के जाने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि मिस्टर बजाज की एंट्री कब होगी। मिस्टर बजाज का किरदार निभा रहे करण सिंह ग्रोवर बहुत थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर नजर आए हैं, और सोशल मीडिया पर आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया है। उनके शानदार एंट्री से लोगों का दिल जीत लिया है।